स्टोरी के स्टार्टिंग में स्कूल की तीन लड़कियां डिस्कस करती है एक मैजिकल थीम पार्क के बारे में, जहां पर एक हैंडसम मैजिशियन रहता है, लेकिन रूमर है कि वह मैजिशियन पूरी तरह से पागल है और साथ में ये भी कि वह रियल मैजिक करता है। फिर टाइम लूप होता है, मैजिशियन का मैजिक स्कूल स्टूडेंट्स पर वर्क करने लगता है। मैजिशियन जिस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है उसके साथ स्कूल स्टूडेंट भी एक सॉन्ग पर डांस करते हैं। कुछ टाइम के बाद डांस शो खत्म होता है और मैजिक की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है और हम इंट्रोड्यूस होते हैं मेन लीड यून से। यून अपनी क्लास के लिए लेट होती है इसलिए वह भाग कर जाती है। तभी वह एक स्टूडेंट से टकराती है और स्टेयर पर गिरने की वजह से उसके नेक पर चोट लगती है। जब यून क्लासरूम में पहुंचती है तो टीचर उसे क्लास में नहीं बैठने देते और डोर के पास खड़े होने के लिए बोलते हैं। लेकिन आज इल्देउंग भी लेट होता है जो स्कूल का टॉप स्टूडेंट है और इस वजह से टीचर इन दोनों को क्लास में बैठने के लिए बोलते हैं। कुछ टाइम के बाद इनकी क्लास ओवर होती है और सभी स्टूडेंट कैफेट एरिया में लंच करते हैं, लेकिन यून अपने खाने को लंच बॉक्स में भरती है। तभी हाना यून के खाने को जमीन पर गिरा देती है। हाना एक ओवर स्मार्ट लड़की है, लेकिन यून खाने को जमीन से उठाती है। क्लास में ये तीनों यून के बारे में बात करते हैं कि मैथ में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। यून जब घर जाती है तो एक दुकान पर पोस्टर लगा हुआ होता है कि यहाँ पर काम करने वाले की जरूरत है और यून एक दिन के लिए वहाँ पर काम करती है। यून इतनी पोर गर्ल है कि वह कस्टमर के बचे हुए खाने को खाने के बारे में सोचती है। शाम को ओनर यून को 50,000 वोन देता है और उससे कहता है कि तुम्हें कल भी काम पर आना है। अब यून घर जाती है और अपने पैसों को देखती है। तभी वह नोट उसके हाथ से उठकर थोड़ी दूर जाकर गिरता है। यून नोट को उठाने जाती है बट वो फिर से उठ जाता है और ऐसा करते करते वह पहुँचती है मैजिकल थीम पार्क में, जहाँ पर वो मैजिशियन रहता है। जब यून यहाँ पर अपने नोट को उठाती है तो मैजिशियन उस नोट को अपने पास ले लेता है और वह यून से कहता है कि क्या तुम जादू पर यकीन करती हो। बट यून डर जाती है, वो यहाँ से भागते और चिल्लाते हुए जाती है और अपने घर पहुँचती है। घर पर यून की छोटी बहन यूई होती है, जिसके लिए यून स्कूल से खाना लेकर आती थी। आज यून खाना भी नहीं लेकर आई और जब वह किचन में जाकर देखती है तो पकाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इसकी बहन समझ जाती है कि आज खाने के लिए कुछ नहीं है और वो यून से कहती है कि मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैंने आज 3 टाइम खाना खाया है। यून देखती है कि उसके पॉकेट में एक इनविटेशन कार्ड है। तभी यून की लैंडलॉर्ड यहाँ पर आ जाती है और यून से रेंट मांगती है। यून उसे कहती है कि मेरे डैड पैसे डालेंगे तो मैं आपको रेंट दे दूंगी। बट लैंडलॉर्ड कहती है कि मुझे तुम्हारे डैड से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना रेंट चाहिए और अगर तुमने इस हफ्ते के एंड तक रेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। यून फटे हुए कपड़ों से अगले दिन स्कूल जाती है। हाना इस बात को नोटिस करती है और वह यून को चिढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ एक प्लान बनाती है। हाना यून के पास फ्लोर पर 50,000 का नोट फेंकती है। यून इस नोट को देखती है, उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। फिर हाना क्लास में आती है, वह इल्देउंग से कहती है कि मेरे 50,000 वोन गिर गए, क्या तुमने देखे हैं। इल्देउंग उसे मना कर देता है तो यून से पूछती है, लेकिन यून उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर हाना कहती है कि मैं ये सोचूंगी कि मैंने उन पैसों को चैरिटी में दिया है उस पर्सन के लिए जिसे पैसों की जरूरत थी। यह सुनकर यून बहुत ही एम्बेरस फील करती है, लेकिन हाना अपने फ्रेंड से बात करती है कि उसने यून का वीडियो बनाया है। यून घर पर इस स्नो ग्लोब को देखती है जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट किया था और अपने फादर के साथ कुछ लविंग मोमेंट्स को याद करती है। तब तक यून की छोटी बहन सो जाती है। फिर यून जाती है उस मैजिकल थीम पार्क में अपने पैसों को वापस लेने के लिए। यून डरते हुए मैजिकल थीम पार्क में अपने नोट को ढूंढती है, तभी मैजिशियन उसके सामने आ जाता है। मैजिशियन यून को थैंक्स कहता है उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। बट यून उससे कहती है कि मैं तुम्हारे इनविटेशन की वजह से यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैंने तुम्हारे इनविटेशन को फेंक दिया था। फिर मैजिशियन मैजिक करता है और वही इनविटेशन यून के पॉकेट से निकलता है। अब मैजिशियन यून से कहता है कि तुम यहाँ पर वापस मेरे मैजिक की वजह से आई हो। यून कहती है कि मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने आई हूँ। मैजिशियन यून के नोट को निकालता है और मैजिक से उसे एक व्हाइट पेपर में बदल देता है। यून कहती है कि तुम मुझे पागल मत बनाओ और मेरे पैसों को वापस करो। मैजिशियन फिर से मैजिक करता है और यून के नोट का एक और कॉपी नोट बना देता है और यून से कहता है अपने पैसे वापस लेने को। यून मैजिशियन से कहती है कि मैं दूसरों के पैसे नहीं लेती और उनमें से एक नोट लेकर वहाँ से जाने लगती है। मैजिशियन यून को रोकता है और उसे कहता है कि तुम कल की तरह यहाँ से भाग कर जाने वाली हो। फिर मैजिशियन यून के सूलेस को बांधता है और उससे कहता है कि अब तुम कल की तरह यहाँ से गिरते हुए नहीं जाओगी। अब यून भागते हुए यहाँ से जाती है, तभी उसके सामने बहुत सारे बबल आ जाते हैं। ये सब मैजिशियन ने अपने मैजिक से किया है। यून यहाँ पर रुक जाती है और बबल्स को देखने लगती है। यह सीन बहुत ही खूबसूरत होता है। नेक्स्ट डे यून अपनी बहन को एक अच्छा ब्रेकफास्ट कराती है। क्लास में यून रेंट के बारे में सोचती है कि उसे इस वीक के एंड तक रेंट भी पे करना होगा। तभी इल्देउंग भी यहाँ पर आ जाता है और वह यून को कुछ मैथ के क्वेश्चंस देता है क्योंकि यून मैथ में हमेशा टॉपर रहती है। इल्देउंग यून से कुछ क्वेश्चंस पूछता है बट यून उसे कहते है कि हर क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता क्योंकि वर्ल्ड में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इल्देउंग उसे कहता है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि किसी प्रॉब्लम का आंसर ना मिले। लेकिन यून उसे कहते है कि क्या तुम्हें मैजिक पर यकीन है। इल्देउंग को मैजिक पर यकीन नहीं होता, वह यून से भी कहता है कि तुम कोई बच्ची नहीं हो। यून स्टोर पर काम करते है, जब वह शाम को घर जाती है तो वह ओनर से कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। फिर ये दोनों एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर यून ओनर को अपनी सिचुएशन बताती है। ओनर समझ जाता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम अपनी पेमेंट एडवांस में चाहती हो। फिर ओनर यून को 3 लाख वोन देता है। यून इन पैसों को लेती है, खुश होकर सोचती है कि इन पैसों से मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ओनर के इरादे कुछ पाक नहीं होते, वह यून को 1 नाइट के लिए फोर्स करने लगता है। यून हेल्प के लिए चिल्लाती है, तभी वह मैजिशियन यहाँ पर आ जाता है और ओनर को रोकता है। ओनर से पूछता है कि क्या तुम जादू पर यकीन करते हो। फिर मैजिशियन मैजिक करता है, ओनर को यहाँ से गायब
कर देता है। यून भी ये सब देख रही होती है। ये मैजिक देख कर यून को भी मैजिक पर यकीन होने लगता है। नेक्स्ट डे यून उस ओनर को देखने के लिए स्टोर पर जाती है, लेकिन स्टोर बंद होता है। यून मैजिकल थीम पार्क में बैठी हुई होती है, तभी यहाँ पर मैजिशियन आ जाता है। मैजिशियन यून को एक कॉफी ला कर देता है। यून मैजिशियन से पूछती है कि तुम कल वहाँ पर कैसे आए थे, तो मैजिशियन उसे कहता है कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं वहाँ पर आ गया। फिर यून मैजिशियन से कहती है कि मेरे बॉस का क्या होगा, यानी वे स्टोर ओनर। मैजिशियन उसे बताता है कि मैं बस उसे मैजिक से डराना चाहता था, लेकिन वो गायब हो गया और अब मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। यून मैजिशियन से कहती है कि तुम्हें अपने लिए कोई जॉब ढूंढनी चाहिए, क्योंकि मैजिकल थीम पार्क बंद हो गया है और कोई भी इंसान वर्ल्ड में मैजिक पर बिलीव नहीं करता। लेकिन मैजिशियन कहता है कि मैं तो रियलिटी में हूँ, तो यून कहती है कि रियल में कोई मैजिक नहीं होता। फिर यून यहाँ से जाने लगती है, तभी मैजिशियन उससे कहता है कि क्या तुम मैजिक पर यकीन करती हो। यून मैजिशियन से कहती है कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं मैजिक पर यकीन नहीं करती। फिर मैजिशियन रियल मैजिक करता है और यून के आसपास बटरफ्लाईज आ जाती हैं। ये बटरफ्लाईज मैजिक से बनी हुई होती हैं, जो पार्क की लाइट्स को ऑन करती हैं। जैसे जैसे यहाँ की लाइट्स ऑन होती हैं, ये मैजिकल थीम पार्क उतना ही खूबसूरत लगने लगता है। फिर स्टार्ट होता है एक मैजिकल शो, जिसमें मैजिशियन यून को दिखाता है कि वर्ल्ड में रियल मैजिक होता है। ये शो इतना ब्यूटीफुल होता है कि जैसे कि हम किसी रियल मैजिक वर्ल्ड में हो। इस शो के खत्म होने के बाद मैजिशियन यून से फिर से पूछता है कि क्या तुम मैजिक पर विश्वास करती हो। अब यून मैजिक पर विश्वास करने लगती है और वह इस बात को भी मान लेती है कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वह एक रियल मैजिशियन है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड कम्प्लीट।